साहब ये महीना जनवरी महीना सर्वाइव के कैंसर का जरूरत के लिए माना जाते हैं, और जो अपने पोस्टल डिपार्टमेंट में ये कदम उठाया है हम लोग सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपको पता है जो सर्वाइकल कैंसर हिंदुस्तान में जो औरतों को सबसे ज़्यादा कैंसर दिखा जाते हैं, ये इसका कारण ये है कि छोटी उम्र में शादी होना है, कई बच्चे पैदा होना है, और जननांगों का सफाई ठीक तरीके से नहीं रखना है, या एक से ज़्यादा पुरुषों से संपर्क करना है, इसका मुख्य लक्षण है। इसके लिए जानकारी लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, और सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है, लेडी औरतों का शादी 18 साल कर दिया और आदमियों का शादी 21 साल कर दिया। अभी इनका भी यही उम्र बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर जैसे हम लोग ये सब कार्यक्रम उठाएगा तो ये सर्वाइकल कैंसर का रोकथाम पूर्ण रूप से हो सकते हैं, और अगर किसी को भी ये शंक हो गया, जो कोई भी शक है, जो ब्लीडिंग हो जाते हैं, जो संपर्क के साथ बाद में खून दिखाई पड़ते हैं, लोगों को हॉस्पिटल आके चेकअप करना चाहिए। अगर जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हम लोग का उपलब्ध है, जिसमें हम लोग ये पैप स्मियर टेस्ट बोलते हैं, वो बच्चेदानी के मुंह से पानी निकाल के जाँच करते हैं, इसको सर्वाइकल पैप स्मियर टेस्ट बोलते हैं। ये करने से कम 10 साल तक कैंसर होने का संभावना है कि नहीं पता कर सकते हैं। आजकल WHO ने ये बोला है 40 उम्र के बाद सब लोग एक बार ये टेस्ट करना चाहिए, और ये कैंसर अगर पहली स्टेज में आ जाते हैं, ये ठीक होने का संभावना 95% to 100% तक हो जाते हैं, और दूसरे स्टेज में भी 80 के ऊपर हो जाते हैं, और तीसरा स्टेज में ज़्यादा लोग हम लोग के पास आते हैं, उसको भी पूर्ण रूप से इलाज अगर 60% to 70% तक हम लोग पूर्ण रूप से इलाज कर सकते हैं। इसलिए आज का मेरे को आप लोग सबसे अनुरोध है, इस कैंसर से डरना नहीं है, आप आके इसको जो रोकथाम के लिए कोशिश करें, ये सब प्रिकॉशंस ले लीजिए। अगर किसी को शंका है, आपको आगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आके इसका शुरुआत में इसका टेस्ट करके डायग्नोस करके इसका पूर्ण रूप से इलाज कर सकते हैं हम लोग।